नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज़। यूपी के देवरिया जिला अस्पताल में मरीजों का हर रोज़ शोषण किया जा रहा है। कभी मरीजों को दलाल अपने चुंगल में फंसाकर डॉक्टरों के यहाँ ले जा रहे हैं, तो कुछ डॉक्टर स्वयं ही जिला अस्पताल में मरीजों को अपने निजी अस्पताल में बुलाकर मोटी रकम कमा रहे हैं। शुक्रवार को एक मरीज़ को एक सर्जन 20 दिन से ऑपरेशन के लिए बुला रहे थे। वह जब अस्पताल पहुँची तो कहा कि यहाँ ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, आप मेरे नर्सिंग होम पर आइए, वहाँ ऑपरेशन कर दूँगा। ऐसे में वह परेशान महिला सीएमएस के पास पहुंची और इसकी शिकायत कराई। सीएमएस ने डॉक्टर को कक्ष में बुलवाया और फटकार लगाते हुए कहा कि अस्पताल में इस तरह का कार्य कदापि नहीं चलेगा। सीएमएस के कहने के बाद डॉक्टर तुरंत जिला अस्पताल में ऑपरेशन करने को तैयार हो गए। हमारा पैर में गुड़कुल हो गया है, पहले दिखाए, 15 दिन उसकी दवा चली, उसके बाद 15 दिन बाद वो बोले कि जाइए ओटी में। ओटी में गए तो ओटी में से लोग लौटा दिए, आज नहीं हो पाएगा। फिर डॉक्टर साहब के पास गए दिखाने तो वो बोले कि प्रज्ञा में चलिए, अब आज समय नहीं है, प्रज्ञा में आइए, हम वहाँ कर देंगे। हम वहाँ गए तो वहाँ बोले कि इसका सर खर्च क्या लगेगा, तो बोले जांच का 950 और ऑपरेशन का 1000। वो बोल रहे हैं कि 1 महीना से दौड़ रहे हैं ऑपरेशन कराना है, तो ये बोल रहे हैं कि अगले हफ्ते आइए। फिर आज क्या बोले हैं, कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में बोले हैं क्या? नहीं, वो बोलते हैं कि हमारा प्राइवेट है, प्राइवेट भी दिखा सकते हैं।